नरवाना के पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब से आ रहे किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने तैयारी की है और साथ ही दिल्ली में अन्ना हजारे के किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए सभी किसान दिल्ली पहुंचने की तैयारी में है। हरियाणा प्रदेश में सरकार से हर वर्ग नाराज चल रहा है, जिसको लेकर आए दिन कर्मचारी वर्ग सड़कों पर नजर आ रहा है। आज पंचकुला में कंप्यूटर टीचर और कंप्यूटर लैब अटेंडेंट्स ने पंचकुला की सड़कों पर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर शिक्षा सदन का घेराव किया। वहीं अपनी मांगों को लेकर कंप्यूटर टीचर से शिक्षा सदन के गेट पर बैठकर प्रदर्शन किया और जिसके कारण सदन से काम करने वाले लोग अंदर फंस गए और कंप्यूटर टीचर्स की मांग है कि शिक्षा विभाग में उन्हें समायोजित किया जाए और साथ ही वेतन शिक्षा विभाग से वेतन वृद्धि की भी मांग की गई है। इसको लेकर शिक्षा सदन के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। हिसार में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें कार सवार लोगों की मौत हो गई है और साथ ही कार का टायर फटने से यह हादसा बताया जा रहा है। आपको बता दें कि सिरसा रोड पर दुर्जनपुर चौक पर यह हादसा हुआ। शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने चंडीगढ़ में एक साथ कई संगठनों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं का समाधान किया और मिड डे मील वर्कर्स को नवरात्रों पर तोहफा भी दिया। शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने मिड डे मील वर्कर्स को मानदेय में 1,000 रुपए प्रति माह बढ़ोतरी करने और वर्ष में 2 वर्दी देने की घोषणा की है। तो वहीं दूसरी बैठक पीजीटी अध्यापकों की एसोसिएशन और तीसरी बैठक हरियाणा शिक्षा विभाग कर्मचारी तालमेल कमेटी के साथ। शिक्षा मंत्री ने बताया कि हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत वो पीजीटी अध्यापक जिन्होंने नियुक्ति के समय बीएड और एचटेट परीक्षा पास नहीं कर रखी थी, उन्हें एचटेट पास करने के 4 अतिरिक्त अवसर प्रदान करने का अवसर दिया है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत लिपिकों और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वाहनों की चेकिंग में ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी और लिपिकों की मांग पर उनका पूरे राज्य में एक क्वार्टर बनाने का भी फैसला लिया गया। फरीदाबाद में कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे राजकुमार सैनी लोकसभा और राज्यसभा पर जमकर बरसे। सैनी ने कहा कि 3 तलाक के बिल को लोकसभा में सभी सांसदों ने मिलकर पास कर दिया है, लेकिन राज्यसभा में रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया और कहा कि ये कैसा प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र के नाम पर देश में लोकसभा का मजाक उड़ाया जा रहा है। सैनी का कहना है कि अगर साल 2019 में चुनाव में जनता ने अपना आशीर्वाद दिया तो जनसंख्या के अनुपात में 100% आरक्षण पूरे देश को मिलेगा और हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलेगी। साथ ही 100 दिन की मनरेगा स्कीम को 300 दिन का किया जाएगा। सैनी ने कहा कि हमारा काम चल रहा है, हम बहुत जल्द जनता के बीच में जाएंगे और अपने 5 मुद्दों को जनता के बीच रखेंगे। अगर देश से नहीं होता है तो अब हरियाणा से हम दो हमारे दो के नारे की शुरुआत करेंगे। सैनी का कहना है कि हरियाणा के निर्माण से लेकर अब तक 5 मुख्यमंत्रियों ने कभी आरक्षण के नाम पर तो कभी दूसरे मुद्दों पर प्रदेश की जनता का इस्तेमाल कर उन्हें रुलाने का काम किया। वहीं हरियाणा के सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर ने झज्जर और बेरी में व्यापारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में जब से बीजेपी की मनोहर लाल सरकार ने सत्ता संभाली है, उसके बाद से प्रदेश के व्यापारियों में अपने काम के प्रति आत्मविश्वास पैदा हुआ है और व्यापारी वर्ग के हितों को सुरक्षित रखते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार ने उन्हें भयमुक्त माहौल प्रदान किया है। मनीष ग्रोवर ने कहा कि मौजूदा सरकार के 3.5 साल के कार्यकाल में सरकार ने एक सफलता और सकारात्मक परिवर्तन के साथ काम किया है। आज पूरे प्रदेश में पूर्व सरकारों के कार्यकाल और वर्तमान सरकार के कार्यकाल में फर्क देखा जा सकता है, जो कि भयमुक्त वातावरण का साक्षात उदाहरण है। भिवानी में शहीद दिवस के अवसर पर खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग की ओर से कुश्ती का आयोजन किया गया। भीम स्टेडियम में 21 से 23 मार्च तक आयोजित करवाए जा रहे कुश्ती दंगल के पहले दिन हरियाणा का मुकाबला पंजाब और महाराष्ट्र के पहलवानों के साथ होगा। दंगल की प्रथम दिन 80 मुकाबले होंगे। सभी टीमों के से नामी पहलवान अपने दांव पेच लड़ाएंगे, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं।
हरियाणा के महम के पहलवान दीपक नेहरा ने कुश्ती में गोल्ड मेडल जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया। इसके बाद दीपक का महम पहुंचने पर उसके गांव निदाना और महम चौबीसी वासियों ने उसका जोरदार स्वागत किया और दीपक पहलवान को ढोल नगाड़ों के साथ उसके गांव निदाना लेकर गए और वहां गांव के लोगों ने भी पहलवान को नोटों और फूलों की मालाओं से पहनाकर उसका स्वागत किया। दीपक पहलवान ने बताया कि उसने महाराष्ट्र में हुई ओपन जूनियर कुश्ती में 92 किलो ग्राम भार वर्ग में दिल्ली के पहलवान को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। प्रदेश के तीसरे एग्री लीडर समिट का आयोजन हरियाणा के रोहतक जिले में किया जाना है और 24 मार्च से 26 मार्च तक आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के लिए गुरुग्राम की कृषि और पशुपालन विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली। वहीं जिला प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि गुरुग्राम जिले से 2700 से ज्यादा किसान समिट में हिस्सा लेंगे। सिटी मजिस्ट्रेट मनीषा शर्मा ने बताया कि किसानों की आय को कैसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए, ये इस समिट का उद्देश्य है। मनीषा शर्मा ने बताया कि एग्री लीडर समिट में किसानों को ले जाने के लिए 53 बसों की व्यवस्था गुरुग्राम जिला प्रशासन के द्वारा की गई है और समिट का उद्घाटन राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी करेंगे। गोलाचीका के डीएवी कॉलेज के प्रांगण में पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला की थिएटर डिपार्टमेंट की टीम ने नशे पर आधारित एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जिसमें देश भर में फैले शराब और स्मैक जैसे नशे पर अंकुश लगाने के लिए विद्यार्थियों को जागरूक किया। बताया जा रहा है कि थिएटर डिपार्टमेंट की टीम रेड आर्ट पंजाब पिछले कई वर्षों से हरियाणा पंजाब और हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों में जाकर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नशे के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो वहीं डीएवी कॉलेज के प्रिंसिपल रमेश डांडे और प्रोफेसर जसविंदर का कहना है कि ऐसे नुक्कड़ नाटक से कॉलेज के बच्चों को नशे की कुरीतियों से कैसे बचाया जा सकता है, इस बारे में बच्चों को जागरूक किया जाएगा और कहा कि समय समय पर ऐसे आयोजन कॉलेज में करवाए जाते रहेंगे ताकि बच्चे नशे की लत से बचे रहें। वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम में अब लोगों की समस्याओं के लिए समाधान के लिए उन्हें अब दर दर नहीं भटकना पड़ेगा बल्कि इसके लिए एक ऐप वन मैप गुरुग्राम बनाया गया है। इस ऐप के जरिए तमाम लोग जिनकी शिकायत स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और जिला प्रशासन से संबंधित है वो इस ऐप के जरिए समाधान पा सकते हैं। इसके लिए जीएमडीए यानी गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी ने पूरे गुरुग्राम का वन मैप सर्वे कराया है। जीएमडीए के सीईओ वी उमाशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इस ऐप के जरिए लोग सिर्फ शिकायत ही नहीं बल्कि सुझाव भी दे सकते हैं। कोर्ट की ओर से एससी एसटी एक्ट में बदलाव किए जाने के बाद अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का विरोध शुरू हो गया है। अंबेडकर सेना की ओर से आरोप लगाया गया है कि केंद्र सरकार के दबाव में कोर्ट ने यह फैसला लिया है। अंबेडकर सेना के हरियाणा इकाई ने भिवानी में एक्ट में संशोधन पर असहमति जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया और उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश सरकार के निर्देशों की पालना में जिला प्रशासन ने बाढ़ सुरक्षा प्रबंधों को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। उपायुक्त आदित्य दहिया ने राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ करनाल काछवा रोड से गुजरती नरवाना ब्रांच लिंक नहर पर ओबीएम चालित किश्तियों के साथ प्रशिक्षण दिया। हालांकि मानसून अभी दूर है लेकिन इस तरह का प्रशिक्षण बाढ़ जैसी आपदा में जानमाल के बचाव और बाढ़ नियंत्रण मशीनरी के प्रयोग में दक्ष होने जैसी बातों को देखते हुए अहम है। वही प्रशिक्षण के दौरान उपायुक्त और अन्य अधिकारी और कर्मचारी लाइफ जैकेट पहनकर कश्तियों में सवार हुए और करीब 1 किलोमीटर तक आने जाने के डबल राउंड लगाए। तो वहीं कर्मचारियों को चप्पू से बोट चलाने का प्रशिक्षण भी दिया गया ताकि आपातकाल में इंजन खराब होने जैसी स्थिति में बोट चलाकर बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर बचाया जा सके।
उधर भिवानी में एएनएम और जीएनएम की छात्राओं का प्रदर्शन बुधवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। छात्राओं ने हड़ताल कर शहर में प्रदर्शन करते हुए जमकर सरकार विरोधी नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी छात्राओं का कहना है कि पिछले करीब 4 सालों से परीक्षा न होने के कारण उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। परीक्षा न होने के कारण वो कहीं भी नौकरी नहीं कर सकती। वहीं परीक्षा न होने के कारण वो खुद को अगले वर्ष के स्टूडेंट भी नहीं मान सकती हैं। उन्होंने सरकार से परीक्षा लेने की मांग की है। परीक्षा न लेने की सूरत में उन्होंने अपने आंदोलन को तेज करने की चेतावनी भी दी है। प्रदर्शनकारी छात्राओं को अब एसएफआई, सीटू और नर्सेज स्टाफ ने भी अपना समर्थन दे दिया है। आपको बता दें कि छात्राओं की हड़ताल के चलते अब अस्पताल में भी काम प्रभावित होने लगा है। सर्व कर्मचारी संघ अब कर्मचारियों के साथ हो रहे भेदभाव और प्रदेश सरकार की नीतियों के पोल खोलने के लिए गांव-गांव पहुंचेंगे। नियमित नहीं होने तक समान काम समान वेतन सहित विभिन्न मांगों को लेकर कर्मचारियों ने बुधवार को लघु सचिवालय के समक्ष धरना शुरू कर दिया है। एक सप्ताह तक कर्मचारी संगठन गांव-गांव पहुंचेंगे। सरकार की ओर से मांगे नहीं माने जाने पर कर्मचारी 29 अप्रैल को जींद में ललकार रैली कर बड़े आंदोलन की घोषणा करेंगे। इस दौरान कर्मचारी नेता राजकुमार घिकाड़ा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सत्ता में आने से पहले कर्मचारी और जनता से वायदे किए थे, लेकिन सत्ता में आने से 3.5 साल बीत जाने के बावजूद सरकार ने अपने घोषणा पत्र पर अमल नहीं किया है। अध्यापक नेता सतीश जाखड़ ने कहा कि कर्मचारियों की मांगों को लेकर सर्व कर्मचारी संघ से की मुख्यमंत्री से 3-4 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन सरकार ने हर बार वायदा खिलाफी की है। बल्लभगढ़ में हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने वेतन न मिलने के विरोध में चक्का जाम कर दिया। कर्मचारियों ने मांग की है कि जब तक उन्हें वेतन नहीं दिया जाएगा वो चक्का जाम रखेंगे। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि उन्हें फरवरी महीने का वेतन नहीं मिला है, जिस कारण से उनके परिवार का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है। कर्मचारियों ने बताया कि वो पहले भी 2 घंटे का प्रदर्शन कर प्रशासन को चेतावनी दे चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी आज तक उन्हें उनकी तनख्वाह नहीं मिली है। इसी के चलते उन्होंने चक्का जाम किया है। कर्मचारी नेताओं ने साफ कहा है कि जब तक उन्हें फरवरी महीने का वेतन नहीं दिया जाता है तब तक वो रोडवेज का चक्का जाम रखेंगे। नारायणगढ़ में 3 युवकों पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है, जिनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर पिछले 4 दिन से लोग धरने पर बैठे हैं। धरने पर बैठे लोगों के समर्थन में आज दुकानदारों ने अपनी दुकान को बंद रखा, जो आज दोपहर तक बंद रहेगी। फतेहाबाद के हंस कॉलोनी के लोग खुद को खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल किए जाने की मांग को लेकर उपायुक्त कार्यालय पहुंच गए हैं। लोगों का कहना है कि पिछले 10 वर्षों से उन्हें राशन नहीं मिल रहा है। कई बार अधिकारियों के चक्कर काटने के बाद भी मामले की सुनवाई नहीं हो रही है। इसके लिए जिला उपायुक्त से भी कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन हमारी गुहार का कभी कोई समाधान नहीं हुआ है। गोहाना के अनाज मंडी में सरसों की सरकारी खरीद नहीं होने से नाराज किसानों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और सरकार पर आढ़तियों के साथ मिलीभगत का आरोप भी लगाया है। किसानों का कहना है कि सरकार ने अब की बार सरसों का सरकारी भाव 4,000 रुपए प्रति क्विंटल कर रखा है और मंडियों में 15 मार्च से सरकारी खरीद शुरू करने की बात कही थी, लेकिन उसके बाद भी अनाज मंडी में आज 6 दिन बाद भी सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई है। ऊपर से मंडी में आढ़ती उनकी फसल में नमी बताकर कम भाव में खरीद रहे हैं। वही अधिकारियों का कहना है कि अब की बार सरकार ने सोनीपत में सरसों की खरीद केंद्र नहीं बनाया है, तो वही 2 दिन पहले गोहाना में व्यापारी सम्मेलन के दौरान व्यापारियों को न्योता देने पहुंचे प्रदेश के सहकारिता मंत्री ने किसानों की सरसों की फसल का एक एक दाना खरीदने की बात को कहा था, लेकिन आज तक खरीद शुरू नहीं हो पाई है।
कैथल में रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन न आने के चलते रोष जताया। उन्होंने कहा कि हम मूल वेतन अनुसार ईपीएफ 1995 के सदस्य हैं, लगभग एक वर्ष पूरा हो गया है और सभी कर्मचारियों ने अपने अपने पूर्ण ब्यौरे अपने नियोक्ता को दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी संप्राप्ति नहीं हुई है। इसी समस्या को लेकर आज कैथल के सेवानिवृत्त कर्मचारी अपना मांग पत्र लेकर गए दिया और साथ ही कैथल केंद्रीय सहकारी लिमिटेड बैंक के अधिकारी के पास पहुंचे। कैथल के चंदाना के पास पिछले कई सप्ताह से आने जाने का रास्ता बदहाली के आंसू रो रहा है। बताया जा रहा है कि सीवरेज की खुदाई तो कर दी गई है, लेकिन लंबे समय से कोई अधिकारी या कर्मचारी उसकी सुध नहीं ले रहा है। लोगों का कहना है कि रास्ता खराब होने से आने जाने में उन्हें परेशानी हो रही है, साथ ही दुकानें बंद होने के कारण भी काम धंधा उनका ठप पड़ा है। लोगों का कहना है कि मामले की जानकारी अधिकारियों को दी गई, लेकिन वहां सिर्फ आश्वासन ही दिया गया। करनाल स्वास्थ्य विभाग की टीम ने करनाल के तरावड़ी क्षेत्र में कई मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक नशे के कारोबार की गुप्त सूचना और गर्भपात की दवाइयां धड़ल्ले से बेचे जाने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके बाद मेडिकल स्टोर पर स्वास्थ्य विभाग और पुलिस ने छापेमारी की। उधर स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी के दौरान मनचंदा मेडिकल स्टोर पर गर्भपात करने की एमटीपी किटों को जब्त किया और स्टोर मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और साथ ही उसे गिरफ्तार भी किया। फिलहाल पुलिस और स्वास्थ्य विभाग आगे की कार्रवाई में जुट गए हैं।